बाबा बाबा की स्वयं की रियल स्थिति में स्थित हो जाए। मैं ज्योतिर्बिंदु शक्तिशाली आत्मा प्योर एनर्जी सारे इंफॉर्मेशन के कपड़े और रूल्स सबसे पहले इम्प्रेशन बहुत आत्माओं के साथ इम्प्रेशन है। दुनिया की इंफॉर्मेशन है यूजलेस भी इंफॉर्मेशन का लेयर बना दिया इम्प्रेशंस, वो सब इम्प्रेशन का लेयर निकाल देते हैं। पूरे दिन में डर्ट चढ़ जाता है फिर निकालते हैं। दूसरा लेयर है मैं एजुकेटेड, मैं रिच, मैं ये, मैं वो, सब अपनी क्वालिफिकेशन डेजिग्नेशन वो लेयर भी निकाल देते हैं। और तीसरा रोल्स मदर फादर ब्रदर सिस्टर। और फोर्थ है मैं शरीर पावरफुल लेयर, इसको भी निकाल दिया। मैं ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट, मैं ये ज्योतिर्बिंदु अब ज्ञान सागर में स्नान कर रही हूँ। परमात्मा ज्ञान रूपी सागर, ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। अच्छा बाबा ने तो आज की मुरली हम पढ़ते हैं। सभी का वेलकम है भगवान के इस महावाक्य के सेशन में। अच्छा सभी ने कल की मुरली पढ़ी स्टडी की, सभी ने की स्टडी, यस और नो? चलो आज ज्यादा हाथ उठे, फिर भी सारे नहीं उठे, लेकिन और रिजल्ट कल और अच्छा चाहिए। सबके सब हाथ उठाए कि यस मैंने पूरी मुरली पढ़ी है। ओके तो आज 23/5/16 की मुरली है, 2016 साकार मुरली। मीठे बच्चे यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए देखो ये 2016 में तो चली लेकिन ये साकार महावाक्य है तो 60s की मुरली है। बाबा कहते बच्चे ये दुनिया कब्रिस्तान शमशान घाट होने वाला है। देखा है ना हम लोगों ने रिसेंट वेव जो आया सॉर्ट ऑफ शमशान हो गया, इसलिए बच्चे इससे दिल नहीं लगाओ। परिस्तान को याद करो, इससे दिल नहीं लगाओ। दुनिया से दिल नहीं लगाना मतलब जो भी आत्माएं शरीर से कनेक्शन में, मैं जो जिसको कहती हूं मेरा, उनसे दिल नहीं लगाना। इसलिए बाबा कहते बच्चे उनसे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। अब जो वैसे भी बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे पुराना मकान हो जाता है और नया मकान बन रहा होता है तो सारा कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग कहाँ हो जाती है। अब पुराने में नहीं उतना होता है, कोई चीज खराब भी हो रही ना दर्द नहीं करती है क्योंकि पता है नया, बस नए में शिफ्ट होना है, अभी बस थोड़ा ही समय है। तो अभी ये शुरू हो गई आप सबकी कॉन्शियसनेस कि अब नए में शिफ्ट होना है, हो गई है सबकी कॉन्शियसनेस। नए 17 अप्रैल वाले सब है ये कॉन्शियसनेस में।
या आपको, आप कहेंगे कि दिख ही नहीं रहा है कहाँ बन रहा है नया, किसको दिख रहा है नया मकान बनते हुए, नई दुनिया बनती हुई किसको दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, बहुतों को दिख रहा है। अच्छा ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा है उनको पुराना जलते हुए दिख रहा है, नया तो नहीं दिख रहा है लेकिन पुराना तो कब्रिस्तान दिख रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है या दिख रहा है। व्हाट इज कब्रिस्तान, मतलब मरे हुए है आत्माओं की बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई, हम कितना भी किसको समझाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव माइंड्स है, माइंड्स भी डिस्ट्रक्टिव और फिजिकल फिनोमिना भी डिस्ट्रक्टिव, विनाश के सारे चीजें रेडी पड़ी है, बीमारियां पिक पे, एक बीमारी खत्म होती नहीं दूसरी चली, तो ये सब सिम्टम्स क्या कहेंगे, ये कब्रिस्तान है, होने वाला है, हो रहा है, अब तो होने वाला भी नहीं है, हो रहा है। तो दुनिया पुरानी होती दिख रही है, कब्रिस्तान है ये तो दिख रहा है ना, अब नई दुनिया थोड़ा नजारा देख लेंगे आज, फिर अब फेथ कर लो कि भगवान नई दुनिया बना रहा है। तो बाबा कहते इसलिए बीकेज ऑल ओवर बहुत खुश होते हैं, अच्छा ये आया कोई बात नहीं, क्या था अभी टॉक टॉक ही आया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये विनाश होगा इसी दुनिया में तो नई बनने वाली है। अब जैसे ये मकान एक ही जगह ढाई ये 1000 गज में मकान है, अगर मकान नया बनना है तो जगह एक ही है, तो इसी को तोड़ने के बाद ही तो इसी में बनेगा, सो नो प्रॉब्लम। बाबा कहते हैं इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। अच्छा प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? गरीब बच्चे कहो या बाबा के सभी बच्चे ही है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। देखो डायरेक्ट हम फादर शिव बाबा के बने हैं, परमात्मा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सोचो श्री कृष्ण जब आया होगा, चलो हम उसका अवतार ही समझ ले, कुछ भी समझ ले, और अगर उस समय जो लोग थे उनको क्या पता उनकी हिस्ट्री बनने वाली है, याद करेंगे लोग, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है वो बेशक इम्पोर्टेंस बाद में लेता है लेकिन उस समय वालों को तो नहीं पता होता ना, जैसे CWG गेम्स है या कोई बहुत इम्पोर्टेंट जिसका बाद में हिस्ट्री में बहुत नाम होना है, तो उस समय जो होंगे, ये का क्या था अन्ना आंदोलन था ना, एक बार हुआ था ना अन्ना आंदोलन, कब की बात है 2000 कौन से समय, तो फिर वो यहाँ बहुत हुआ था दिल्ली में रामलीला मैदान ग्राउंड में बहुत हुआ था ना, वहां अनशन हुआ, और वो तो कई ऐसे थे जो हमारे जान पहचान के कि भाई जो अनशन कर रहे हैं ना हमने जाके उनको दान दिया, मतलब गेहूं वाली, लाइक वी आर पार्ट ऑफ दैट बिग इवेंट, ये एक फीलिंग कि इतना बड़ा जो पूरे वर्ल्ड को देश को झकझोर कर दिया था वो आंदोलन, उसका मैं एक हिस्सा थी, मैं भी उसमें पार्ट लिया था। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ये जो नई दुनिया बनने वाली है उसके हिस्से वाले कौन है, हिस्सेदार, ये जूम पे जो बैठे हैं ना सारे खिड़कियां खोल के, जो भी अब आज क्लास कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ अ बिग हिस्ट्री, मेमोरेबल हिस्ट्री। तो बाबा कह रहे हैं तो हम ही डायरेक्ट परमात्मा से, परमात्मा के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है, गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी, भाग्य चाहिए ना कि पढ़े,
कभी कभी नशा होता है, आजकल तो वैसा नहीं है फिनोमिना, बाबा के बहुत साहूकार बच्चे हैं, पर ये भी एक भाग्य है कि साहूकारी में ज्ञान मिल गया, टिक गए, तो दैट मीन्स उन्होंने अपने भाग्य को कंफर्म कर दिया, जैसा मेरा अभी भाग्य वैसे हमेशा ही रहेगा, क्योंकि भाग्यवान बनने का ज्ञान है। तो उन्हें बाप की याद मुश्किल रहेगी, तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ याद भी नहीं आएगा। ये हमारी स्टेज होनी है, देखो बाबा कंफर्म करते हैं तुम्हारी, तुम बच्चों की ये आ जाएगी, अभी तो नहीं है ना, कि बाबा के अलावा और कुछ नहीं याद आए। जैसे जैसे प्यार बढ़ता है ना, अभी तो शुरुआत हुई है ना आपकी प्यार की, जैसे जैसे प्यार बढ़ता जाएगा ना, तो फिर ये स्टेज आती जाएगी। भक्ति में हम क्या चाहते थे, यही चाहते थे ना कि भगवान बस तेरी याद आए और कुछ नहीं याद आए, या मानते थे कि ये बहुत ऊंची स्टेज है, ये ज्ञान में ये वाला बहुत कॉमन है। आपको हम सैटरडे को, एवरी सैटरडे को एक निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज करते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, तो उसमें ऐसे बच्चों को हम बुलाते हैं जिनके एक्सपीरियंस, जीवन के एक्सपीरियंस बाबा के साथ के कैसे है, क्या उनकी स्थिति होती है, बाबा और कुछ नहीं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करो हर सैटरडे को। तो बाबा कहते तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। अच्छा गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। साकार मुरली में उन दिनों मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये फिल्मी गीत है, हमारे अपने गीत नहीं होते थे, तो जो फिल्म के गीत होते थे उसका चलता था। ओम शांति, बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है। कैसा वो जमाना था, एकदम परिस्तान, अब तो पुराना हो गया है। और तुम सब अब इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान क्यों कहा, सबको कब्र दाखिल होना है, ये ऐसा समय है, सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है ना, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो, क्या जानते हो, कि अब परिस्थान स्थापन करने वाला, बाबा कहते हैं ये परिस्थान, तो बाबा कह रहे हैं देखो ये परिस्थान को सच्चाई की दुनिया, वो एक सुनहरा जमाना है, देखो। छोटी सी झलक है, याद आ रहा है ना, ये परिस्थान, ये दुनियावी, सामने सारी देवी देवताएं, श्री कृष्ण श्री राधे, उनके साथ हम खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है, इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, रचयिता। और रचयिता का फेमस गीत है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, ये जो गीत है किसके लिए बना हुआ है, जिसकी रचना इतनी सुंदर। एक्चुअली देखा जाए तो अगर रचना एक होता है, चलो मनुष्य जैसी रचना, लेकिन फाइनली जमाना है ना, परमात्मा की रचना कैसे होगी। रहे जा बिल्डर्स, छोटे छोटे के लिए, छोटे छोटे बिल्डर होते हैं क्या बोलते हैं उसको, एक कोठी बना लिया, रहेजा क्या करेगा, बड़ा बिल्डर बड़े प्रोजेक्ट्स। तो इसी तरह परमात्मा, अब हम उसको रचयिता कहते हैं, तो उसकी रचना क्या होगी, वो भी बहुत बड़ा बिल्डर है। कोई है बिल्डिंग लाइन में, यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई है, यहाँ नहीं है। तो
उसकी भी बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है, रचयिता है। तो कौन सी कंस्ट्रक्शन होंगी? ऐसे तो ये सहारा परिवार का एक पूरा एक सिटी बना देते, एम्बे वैली बनाया उन्होंने, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये एक पूरी प्रोजेक्ट बनाना, सिटी बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये तो मनुष्य भी कर लेता है, परमात्मा अगर रचेता है तो वो क्या रचेगा? वर्ल्ड को रचेगा। कौन सा वर्ल्ड? क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का एक एस्टिमेट कर लेते कि ऐसा हो सकता है भाई, अगर ये रिलायंस ने लिया है तो ये प्रोजेक्ट ऐसा होगा। भगवान ने लिया है रचेता, तो वो प्रोजेक्ट कैसा होगा? अच्छा, परमात्मा कैसा है? कुछ भी बात होती है, कहते मैं भगवान थोड़ी ही हूं, या कोई ऐसा होता है कहते ये तो मेरे लिए भगवान है, मतलब एक हाईएस्ट इंप्रेशन है, हाईएस्ट इन गुडनेस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड गॉड। तो जब वो हाईएस्ट, उसकी वैल्यू के हिसाब से हाईएस्ट है, शक्तियों के हिसाब से हाईएस्ट एक इंप्रेशन है, तो परमात्मा अर्थात एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इतना इतनी अच्छी दुनिया उसने स्थापन की होगी, तो वो कौन सी दुनिया है जिसमें दुनिया क्या, क्योंकि बाहर की तो बात ही नहीं, वो तो मनुष्य भी कर सकता है। आज पूरा क्या बोलते हैं उसको, फेस लिफ्टिंग, दिल्ली का फेस लिफ्टिंग हो गया, बॉम्बे का फेस लिफ्टिंग हो गया, पूरा न्यू कर दिया उसको। लेकिन परमात्मा क्या करेगा? आत्माओं को बनाएगा। एस आई टोल्ड अर्लियर, वी डिस्कस्ड कि जो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता, वो कार्य भगवान करेगा, और वो है आत्माओं को चेंज करना। हम सभी ने महसूस किया, 1 महीने में थोड़ा हमारा फेस लिफ्टिंग हो गया, किया है सभी ने? जब जब से ज्ञान मिला है तब से चेंजेस आई है, सबको ऐसे आई है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जब से जब ही सभी ज्ञान में आए सब लोग कह रहे हैं, आई है ना सब में, तो ये फेस लिफ्टिंग हुई है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ये भी समझते कि अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा, अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक, पुराने लास्ट कल्प के अकॉर्डिंग ये वर्षा ले रहे हो। अब ये भी एक डीप फिलॉसफी है जो हम कवर करेंगे कल, नॉट टुडे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से परिस्तानी बनेंगे, भारत परिस्तान था और खंड, अच्छा भारत जब परिस्तान था, आज आपकी टेस्टिंग भी चलती जाएगी साथ साथ में, तब बाकी जो खंड थे दुनिया के वो क्या थे? बिकॉज सोने की चिड़िया भारत थी, राम अभी तक है नर में भारत था, मतलब सत्ययुग त्रेतायुग भारत था, तो बाकी खंड क्या थे? किसको आंसर पता है बाकी खंड क्या थे कि नहीं थे? तो बाकी खंड कहाँ थे? नहीं थे, थे भी नहीं। तो ओनली भर बाबा कहते और खंड परिस्तान नहीं बनते, स्वर्ग और नरक की कल्पना सिर्फ भारत के लिए, इसलिए भारत की जो डिग्रेडेशन है इन वैल्यू सिस्टम भी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, सभी विदेश से जा होकर आते तो क्या कहते, भारत विदेश बहुत बेटर है, वो अलग बात है संस्कृति रिच यहाँ की है, बट अदरवाइज वैल्यूज में भी ना वहां बहुत लोग ऑनेस्ट है, वहां लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है, ये एक जनरल टेंडेंसी है, जनरल फीडबैक है। तो डिग्रेडेशन ज्यादा कहाँ हुई है? दीपिका बहन आप ग्लोब ट्रॉटर हो वैल्यू की डिग्रेडेशन कहाँ लगता है आपको? है मैक्सिमम इंडिया में ही है। मैक्सिमम इंडिया में, भारत में क्यों? अब इसके पीछे भी ये जरूरी है, राज है, क्यों क्यों मैक्सिमम डिग्रेडेशन इंडिया में है? जो चीज जितनी पुरानी होगी उसमें ही तो डिग्रेडेशन होगा,
ज्यादा। अमेरिका को कितने इयर्स? 300 इयर्स हुए सब फॉरेन कंट्रीज को। भारत कब से है? 5,000 साल हुए। तो फिर डिग्रेडेशन तो पुराना तो ये है ना। रोम भी प्राचीन है ना? हाँ, तो पहले इंडिया, इंडिया जो आज हम देख रहे उतना सा इंडिया नहीं था। रोम वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। रोम, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब इंडिया ही था पूरा वो, इन अ वे जो सत्युग का भारत है उसमें बहुत कुछ है। ये पाकिस्तान तो खैर वो तो पहले भारत ही था, इस तरह श्रीलंका भारत था, ये सब भारत था एक्चुअली इफ यू सी द एंशिएंट हिस्ट्री। बट भारत की संस्कृति जैसी पुरानी संस्कृति कोई नहीं थी, ये है। तो बाबा कहते हैं ये तो बाद में सब डिवीजन हुए ना, दूर दूर होते गए। अभी तुम भारत पारिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते। यह है माया रावण का पॉम्प बच्चे, ये थोड़ा समय चलने वाला है। यह है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना, ये पिछाड़ी का भपका है। इनको देखकर समझते स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते, ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं, कितना शो है। इसलिए समझते स्वर्ग तो अभी है, ये जब शो देखते हैं तो सोचते यही स्वर्ग है। एंड स्वर्ग की डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन एक फिजिकल सबको लिख सकते हैं, जहां तन, मन, धन और जन का सुख हो। 100% सुख तन का, मन का, धन का और इवन रिलेशंस का। एवरी रिलेशन, कॉन्टैक्ट, पीपल, सभी, उसका भी उतना ही सुख है। आज अगर ये तीनों सुख हो भी जाए, लेकिन जन का सुख हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि लोग और कुछ नहीं तो जलने वाले इतने होते हैं, वो भी उस सुखी रहने नहीं देते। एक परिवार सुखी भी है तो बाबा ये कहते हैं। तो ये 100 वर्ष के अंदर है, कितना शो। इसलिए समझते स्वर्ग तो अभी। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी कहते हैं नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। अब यह तो टेम्पररी पॉम्प है। दुनिया जो राम राज्य की कल्पना बापूजी की थी वो कौन सी थी? केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थोड़ी था। हर आत्मा में वो राम और सीता हो, तो ये वाला राम राज्य था। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया हो। तो यह तो टेम्पररी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नरक है। नरक का भी शो है। अब बाप कहते बच्चे एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति चाहते हैं। अब कहां से शांति मिलेगी? सत्युग पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। अब देखो बाबा जो सीक्वेंस बताते, इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। अब पूरा वर्ल्ड ड्रामा की सीक्वेंस, कैसे ये ड्रामा चलता है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने देखा कि एक जो स्टाइल है संसार की, जो बाबा हमको बताते हैं, क्लियर करते हैं, और तो वो स्टाइल है कि पहला, सबसे पहले आत्मा सब परम धाम में रहती है, राइट? और आत्मा परम धाम में रहती है, वहां आत्मा कैसी है? एकदम एकदम प्योर, परम धाम की जो स्टाइल है। तो एक ओवरव्यू करते हैं पूरा वर्ल्ड ड्रामा का। तो सबसे पहले सोल इन परम धाम, क्योंकि आत्मा, जब कल हमने देखा योग बल और भोग बल, तो परम धाम में जाने के पहले हर कोई धर्मराजपुरी में अपना
पूरा अकाउंट चुकतू करेगा कि जिसके साथ जो भी अकाउंट जो आत्मा को इम्प्योर है उस समय के लिए उतना ज्यादा चुकतू है। तो ये चुकतू का भी हम एक पूरा सेशन करेंगे। तो फाइनली अब आत्मा परमधाम में गई तो कैसे हुई, एकदम क्लीन होके गई। तो अब वो आत्मा, जो आत्मा जिसका पुरुषार्थ संगम युग में बेस्ट होगा, वो आत्मा सतयुग में फर्स्ट आएगी, राइट। इसलिए सतयुग में 5 डिग्री है। कौन सी डिग्री है? 5 डिग्री। फर्स्ट सर्वगुण संपन्न, सेकंड 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये 5 कंप्लीट सी सर्वगुण। तो इसमें ये नहीं हम कह सकते, जैसे हम आज कहते हैं ना, ये है ना, इसमें ये शांत बहुत है, शांत है लेकिन फुर्तीला नहीं है, फुर्तीला है लेकिन परफेक्ट नहीं है काम में, परफेक्ट है लेकिन प्योरिटी नहीं है दिल में। मींस ऐसा नहीं कि एक भी गुण की कमी हो। तो सर्वगुण संपन्न ये डिग्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सबको नोट करना है, 5 डिग्रीज है। इसी तरह 16 कला, जो भी हम कला सोच सकते हैं वर्ल्ड में वो सारी कला इसमें होगी, ये 16 कला। अब ये भी एक डिटेलिंग चैप्टर है। संपूर्ण निर्विकारी, इतना सा भी विकार सतयुग में होगा, इसके प्रति आकर्षित होना मतलब प्रभावित होना एक दूसरे के प्रति, नो काम विकार, नो क्रोध, इरिटेशन, इतना सा भी इरिटेशन आएगा, कोई काम ठीक से नहीं, थोड़ा सा जल्दी से नहीं कर रहा है, इरिटेशन होगा किसी का आपस में, हो सकता है, नहीं होगा। सतयुग परफेक्ट वर्ल्ड, तो इसलिए एक तो संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा 100% फुल मर्यादा, और अहिंसा डबल अहिंसक, काम कटारी की भी हिंसा नहीं चलाते। तो बाबा जो हमको रोज की ये ट्रेनिंग है, तो सतयुग में ये आत्माएं ऐसी ट्रेंड आएगी, तो इसका मतलब पहले कभी ट्रेनिंग ली होगी। कोई बच्चा MBA पूरा मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होके आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी उसने पहले वो मास्टरी प्राप्त की होगी ना, तब उसमें मास्टर है। ऐसे कैसे हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस में? तो परमात्मा ने वो ट्रेनिंग कब की, कब की ट्रेनिंग, ये कब हुई है ये ट्रेनिंग, कौन जान बता सकता है फास्ट? संगम युग में। अच्छा, तो 1 महीने में किसकी ये ट्रेनिंग हो गई है कंप्लीट, ये 5 डिग्रीज मिलनी है, किसकी हुई है ये ट्रेनिंग? 1 महीने में ये 5 आ गया डिग्री, किसी की नहीं आई है ना। तो मतलब अभी और आगे मुरली करनी है सुपर एडवांस लेवल के बाद। डिग्री चाहिए तो कब तक डिग्री, MBBS डिग्री कब तक मिलती है? एक साल पढ़ाई की, 2 साल नहीं की, फिर 1 महीना पढ़ाई की, फिर 2 महीना नहीं की, फिर एक साल गए, ये MBBS डिग्री हो जाती है? क्या करता है MBBS डिग्री थी? जब तक डिग्री नहीं मिलता है तो किसकी, किसको लगता है कि अभी हो गया, 1 महीना तो बहुत, अब हो गया, मुझे पता चल गया, ब्रह्मा कुमारीज में क्या सिखाते ना, वो मुझे पता चल गया। किसको लगता है कि हाँ ये तो मुझे पता चल गया, अब कोई जरूरत नहीं है वैसे खास। जिनको डिग्री मिल गई है तो भले, जिनको भी डिग्री मिली है वो तो फिर बाद में छोड़ सकते हैं ना, डिग्री के बाद कॉलेज छोड़ते हैं। नहीं मिली है ना डिग्री, कि चाहिए किसको डिग्री, 5 डिग्री मिल जाए, सभी हाथ उठा कर रहे हैं कि 5 डिग्री चाहिए हमें। तो बाबा ये 5 डिग्रीज वाले वर्ल्ड, तो ये 5 डिग्रीज है जिस सतयुग की।
इसलिए आप देखो सत्यु की पॉपुलेशन कितनी है, 9 लाख। ये 5 डिग्रीज जिनमें होगी वो कितने लोग होंगे आज? अब पूरे आपके परिवार में बाबा ने किसको चूज किया? किसको चूज किया पूरे हर कोई के अपने अपने परिवार में देखो। 9 लाख में हमारा कहाँ नंबर लग रहा है? तो उतनी तो ब्रह्म कुमारी है ऑलरेडी। 3 लाख में मैंने तो सीट्स बुक कर ली है। अब इसमें से कोई एक भी हटेगा ना तो फिर दूसरा फिर वेटिंग में है। अब बताओ जिसको हटना है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें वेटिंग में भी रखा हुआ है। कंफर्मेशन होने वाले भी होते हैं और वेटिंग वाले भी होते हैं। तो अभी रेडी है कि ले लो किसी और को? 50 की बुकिंग हो चुकी है ये, ठीक है ना? कोई जाने के लिए रेडी है कि भाई निकल जाएंगे? अभी हो गया 1 महीना, हो गया अभी, बस हो गया, बहुत ज्ञान मान लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे आ जाएंगे। उसको तो 9 लाख फिक्स है उसके। वहां ट्रेन में जाती है ना वो सीट्स फिक्स होती है। तो अभी रेडी? किसको लगता है मेरा नंबर? मुझे तो चाहिए बाबा, दूसरे का मुझे नहीं करना है, मेरे को तो चाहिए। बहुतों ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। तो चलो फिर मैं बुकिंग कंटिन्यू रखती हूँ, नहीं तो पूछ के फिर बुकिंग, क्योंकि बुकिंग बहुत जरूरी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सब जगह कर रहे हैं कोर्स सब से, क्योंकि ऑनलाइन अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो सब जगह पुरुषार्थ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, डीप तपस्या की भट्टियां चल रही है, कोर्सेज हो रहे हैं। तो ऑल ओवर भाग रहे हैं 9 लाख की सीट्स में। हमें थोड़ा प्रेफरेंस मिला है बाबा से, तो मैंने पहले बुकिंग कर ली। फिर थोड़ा पहले ये लॉकडाउन के स्टार्टिंग से ही हमने कर ली ना, इसलिए। तो ठीक है, बाकी बता सकते हो जिसको भी निकलना हो ना, नॉट एन इश्यू। ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है? अब देखो तो सत्ययुग में 9 डिग्रीज, क्योंकि 5 लाख है। त्रेता युग एंड तक, सत्यु के एंड तक 2 करोड़। अब त्रेता युग एंड तक 33 करोड़, ठीक है? तो 9 लाख के बाद दूसरा चॉइस है, मैं फिर 2 करोड़ में भी आ सकती हूँ। 2 करोड़ में किसको आना है? चलो 9 लाख में तो नहीं है, 2 करोड़ में आएंगे हम लोग। बाकी ये भी है, 9 लाख वाले तो 2 करोड़ में होंगे ही होंगे, लेकिन एडिशन भी होगी 2 करोड़ में। पीएचडी लेवल कितनी होती है और फिर एमबीबीएस लेवल, तो 2 करोड़ में एमबीबीएस लेवल है। तो उसमें क्या होगा, ये जो 5 डिग्री है ना, तो उसमें थोड़ी 50-50% होगी। डिग्रीज तो होगी लेकिन पूरी नहीं, 2 कला कम, हर चीज में 2%, इसलिए 16 कला, तो 14 कला। तो त्रेता युगी आत्माएं कितनी है, वो जा सकती है। मतलब 1 महीने हो गए ना पढ़ाई की, अब काफी हो गया, उनको मिल जाएगी। अभी है कोई नहीं है ना त्रेता युगी, बहुत होशियार है निकले। कैसे राजेंद्र भाई, तो देखो अपने नए नए बच्चे बाबा के कहाँ है गुलाब भाई, बच्चे तो बड़े अच्छे कि सभी रेडी, कोई निकलने को रेडी नहीं है, कोई भी नहीं निकलने को रेडी है, वंडरफुल। तो अभी चलते और आगे, क्योंकि ये कंप्लीट ऐसी वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है जो हम कह रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर तो मालूम है बाद में क्या हुआ। तो उसके बाद ये एक, इस समय धरती कैसे होगी, एकदम प्योर, कंप्लीट प्योर, अर्थात आत्मा, हर आत्मा की एक दो की प्रति दृष्टि, ये नहीं कि ये मेल है फीमेल है, ये आत्मा है, मेल का कपड़ा पहना है, ये आत्मा है, ये फीमेल का कपड़ा पहना है, ये दृष्टि है। तो काम विकार 0, पैदाइश योग बल, संकल्पों से सृष्टि की रचना, वो वर्ल्ड है वो पूरे। तो इस तरह की वो पूरी वर्ल्ड है संकल्पों से। तो धरती में क्या था पूरा टाइम, प्योरिटी, इम्प्योरिटी का नामो निशान नहीं,
क्योंकि काम विकार ही नहीं तो क्रोध विकार नहीं, सीक्वेंस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो लोभ जहां काम होता है ना वहीं क्रोध आता है, जहां अटैचमेंट होता है उन्हीं के लिए क्रोध आता है, और जिसके लिए जिनके लिए अटैचमेंट होता है ना उन्हीं के लिए ग्रीड है। ग्रीड किसके लिए है? मुझे चाहिए, जनरली परिवार। तो जहां तो ग्रीड, तो जहां लस्ट है उनके लिए ग्रीड, तो जहां लोभ है वही मोह है। इसीलिए मोह है उन बच्चों के लिए, मोह है काम विकार से पैदाइश जो बच्चे हैं उनसे मोह है, और इन मोह के लिए ग्रीड है एंड ईगो है। तो ये 0-0 होगा वहां। तो धरती में प्योरिटी थी, आत्मा प्योर थी, पवित्रता थी, सोल कॉन्शियसनेस की स्टेट, और नो काम विकार एंड अदर विकार, उसको कहेंगे प्योर स्टेट। तो धरती अच्छे से चल रही थी। धरती को थमाने के लिए पवित्रता चाहिए, इसलिए कहते हैं ना पाप का घड़ा जब बहुत भर जाता है तो धरती क्या बोलते हैं कि कौन भूमि से भारी, कौन कलंक से कारी कौन है, भूमि से भारी कौन है, ये है ना दोहा, कलंक काजल से कारी और पाप धरती से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन कलंक से कारी और कौन एक और चीज है, और कौन भूमि से भारी। तो फिर बोला क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी और पाप भूमि से भारी। तो धरती में पुण्य आत्माओं की दुनिया थी एवरीथिंग, लेकिन डिग्रेडेशन शुरू हो गया क्योंकि कपड़ा पहनते जा रहे पहनते जा रहे, पहना धोया, पहना निकाला पहना निकाला, धो तो नहीं पा रहे, चार्जिंग हो नहीं रही है, तो कम होती जा रही है परसेंटेज। अब फिर जब द्वापर युग हुआ तो पवित्रता में और कमी हो गई, और दर्द अब हो गया मैं बॉडी, फिर मेल और फीमेल की फीलिंग पहले नहीं था। सत्युग त्रेता में कोई पता है कि ये फीमेल है लेकिन माता है, रिस्पेक्ट बहुत है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ये सब बाद में द्वापर से शुरू हुआ, तो इसलिए जब द्वापर आई तो पाप होने लगा। धरती को थमाने के लिए चाहिए पुण्य आत्मा, पवित्रता, फर्स्ट पहला गुण चाहिए पवित्रता। रजो प्रधान था तो थोड़ी इंप्योरिटी थी, तो इसलिए धर्म स्थापक आए क्योंकि इंप्योरिटी शुरू हुई ना, दर्द शुरू हुआ वहां, पहले वैद्य निकले, पहले डॉक्टर्स की जरूरत इतनी नहीं थी, वैद्य से काम चल जाता था क्योंकि इतनी बीमारियां इस टाइप की नहीं थी, तो वैद्य से काम चल गया। तो क्या हुआ इधर भी, ये रजो प्रधान इंप्योरिटी हुई तो थोड़े रिलीजियस स्थापक हुए, उससे काम चल गया क्योंकि धरती को थमाना है संसार को, नहीं तो धरती तो गिर जाए, उथल पुथल हो जाए, जो आज हम विनाश के नजारे दिख रहे वो उसी समय हो जाए, लेकिन रजो प्रधान तो इंप्योरिटी थी। अब क्या हुआ फिर तमो प्रधान, मैक्सिमम अपवित्रता हो गई कलयुग में, और तब फिर सेंट्स आदि की ज्यादा जरूरत पड़ी, रिलीजन्स भी और सेंट्स आदि की भी जरूरत। और फिर जब इनसे भी कुछ नहीं हुआ लास्ट में, कि सब संतों ने ट्राई कर लिया, उसके बाद फिर भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड रहा, तो सुप्रीम इंटरवेंशन। तो द्वापर युग में विकार, भक्ति, धर्म, शास्त्र बनना, संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी हमने सुने हैं ये सब आए, बिकॉज इस धरती को थमाना था, तो ये महान आत्माएं आकर अपनी वो इंडिविजुअल प्योरिटी प्योर बन जाती थी, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल प्योरिटी के कारण चलता रहता था, क्योंकि धरती में कुछ तो आत्माएं तो ऐसी है ना जिसके कारण प्योर है, तो धरती शांत है। तो ये आत्माओं ने धरती को थमाया, तो दिस सोल्स हैड अ वेरी पावरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इस धरती को ठीक रखने के लिए। इसलिए आप देखेंगे
द्वापर युग में भी और कलयुग में भी संतों की बाढ़ आई, उनकी जरूरत थी उस समय, क्योंकि विकार तो बढ़ रहे थे, बीमारियां बढ़ रही थी, विकार मतलब आत्मा की बीमारी ये बढ़ रहे, तो ये आत्मा के डॉक्टर्स थे संत महात्मा ऋषि मुनि, और इस कारण रिचुअल्स भी बढ़े। फिर इन्होंने क्या सोचा कि बहुत आत्माएं तमो प्रधान है, अब इनका मन तो नहीं लग रहा है भगवान में, तो कि इन्होंने रिचुअल्स को इंट्रोड्यूस किया कि एक घंटा ना बैठो भगवान के सामने, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर ये करो, तुम एक घंटा पाप से बचोगे। दिस वॉज द रीजन वाई उन्होंने ये रिचुअल्स किया। नहीं, इट्स लाइक जैसे हमने पहले भी देखा कि अगर कोई आत्मा भक्ति की जो लेवल्स हमने पहले देखी थी कि जैसे एक बार जो भक्ति के बारे में पांच टाइप की भक्ति थी आपको अगर याद है, तो पांच टाइप की भक्ति में कौन सी भक्ति, ए फर्स्ट भक्ति थी कि जिसमें आत्माएं, इसमें पिक्चर में आपको और क्लियर हो जाएगा, शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसको, तो आत्माएं एक टाइप की भक्ति है कि जिसमें आत्मा पवित्रता मतलब जस्ट परमात्मा जो कहे वो फॉलो करता है, ये फर्स्ट टाइप की भक्ति। और दूसरी टाइप की भक्ति है कि जो आत्मा केवल परमात्मा के गुणों का गान करते हैं, ऑनर, बिकॉज भक्ति मतलब एक्चुअली क्या था, ऑनर, कि भगवान एक जीवन में अच्छी बातें हो, पूरा जीवन वैसा हो और परमात्मा को माने, क्योंकि परमात्मा को मानने से हो जाता है, तो टू फॉलो एग्जैक्टली जो परमात्मा ने कहा वैसे करना। दूसरी भक्ति है कि चलो महिमा करो भगवान की बस। तीसरी भक्ति है कि चलो और कुछ नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करो। और चौथी भक्ति है कभी कभी कर लो ओकेजन्स में, कि आज होली है चलो आज जला दो होलिका जला दो, आज दिवाली है तो लक्ष्मी पूजन कर लो। और पांचवी भक्ति है कुछ पता ही नहीं, गा रहे हैं मीनिंग तो कुछ पता ही नहीं। तो एक्चुअली रियल भक्ति कौन सी थी, फर्स्ट वाली, इन पांचों में से रियल भक्ति हम सभी ने एग्री किया ना, कौन सी है, फर्स्ट की, फिफ्थ, फर्स्ट नंबर की भक्ति है रियल भक्ति। तो ये सब नहीं कर पाए क्योंकि आत्मा तमो प्रधान थी, तो इसलिए साधु संतों ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो, एटलीस्ट थोड़ा तो कनेक्टेड रखो, एंड देयरफॉर उन्होंने रिचुअल्स को इंट्रोड्यूस किया। कौन से आज क्या कहते हैं, आज पूजा है, घर में पूजा है, घर में पूजा का मतलब क्या है, दो घंटे या एक घंटा उसके सामने बैठना है, ये करना है, मन चाहे वहां लगे न लगे, ये एक्टिविटी करना है, ये करो ये करो ये करो, बोलो बोलो, कुछ पाठ कर दो, कंटिन्यूसली बोलते जाओ, चाहे आई नेवर नो द मीनिंग और मुझे कोई इसमें इस तरह से लाइफ नहीं डील करनी है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट। तो दिस वॉज द थर्ड टाइप ऑफ भक्ति, जस्ट क्योंकि फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, सेकेंड पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड को कर दिया। तो क्या हुआ, ये साधु संतों ने दे इंट्रोड्यूस्ड, इस टाइप की भक्ति को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रिचुअल्स बढ़ गए, और उस समय के लिए वो जरूरी था रिचुअल्स, क्योंकि और कुछ नहीं तो थोड़ा तो कनेक्शन रखे वो, नहीं तो फिर आत्मा तो एकदम डाउन हो जाए। तो अंडरस्टैंडिंग दिस उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, ये भक्ति इंट्रोड्यूस की, रिचुअल्स वाली भक्ति, और उसके बाद फिर और डिग्रेडेशन हुआ, तो उन्होंने फिर बाद में लास्ट में संप्रदाय तत्वों की पूजा, चलो भाई आज टिवाटे की पूजा कर लिए, झाड़ की पूजा कर ली, आदि आदि। तो और अब कलयुग में क्या
इस अब और ये सब कलयुग और द्वापर युग का हुआ। तो कलयुग में और इट्स लाइक अब वैद्य से काम नहीं चलेगा, तो क्या हो गया फिर? होम्योपैथी, उससे भी काम नहीं चलेगा, एलोपैथिक मेडिसिंस, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब तो उससे भी नहीं, एमडी चाहिए, सुपर स्पेशलिटी। अब आज अगर आप लंग्स की प्रॉब्लम है तो आप कोई कार्डियक वाले के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि इतनी सारी ये सुपर स्पेशलिटी की जो डिग्रीज आई है उसका रीजन क्या था? क्योंकि एक लंग्स के इश्यूज भी इतने सारे हैं, तो जिसको हार्ट का थोड़ा मतलब पता हो तो उसके वो लंग्स के इतने सारे हैं, वो लंग्स में स्पेशलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप्स की आ गई। हार्ट के इश्यूज भी इतने अलग अलग हो गए, तो एक कार्डियोलॉजी यूनिट बन गई, एक ये यूनिट बन गई। तो ये स्पेशलाइजेशन जो हुआ उसका रीजन क्या था? ब्रांचेस का, स्पेशलाइजेशन का, बिकॉज एक एक में इतनी ज्यादा बीमारियां हुई ना, इसलिए वो स्पेशलाइजेशन बन गई। नहीं तो पहले वेद वैद्य से काम नहीं चल सकता था। जनरली आज वैद्य आयुर्वेदा जो लाइन है, फील्ड है, उसमें पूरी बीमारियों का इलाज है, कितनी सारी। लेकिन क्योंकि ये सब हुआ तो क्या हुआ, ये जो सेंट्स आदि एक होते थे बहुत प्योर पावरफुल ऋषि मुनि महाराज, पर बाद में त्रेता युग में, सॉरी कलयुग में, क्योंकि इतने ज्यादा ये हुआ विकार बढ़ गए, तो इसलिए अलग अलग होते गए। संन्यास धर्म आया, शंकराचार्य निराकार, सिर्फ निराकार को मानो, गौरांग महाप्रभु प्रेम का अवतार, बस प्रेम, भगवान से प्रेम करो, शंकराचार्य, फिर साई बाबा। अब तुम सिर्फ दूसरों का दुख का, क्योंकि वो टाइम वो उन्होंने उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की, क्योंकि वो कनेक्टेड फील्ड बहुत डाउन जा रहा था, तो एट अ टाइम इस टाइप के महापुरुष आए, वो भी एक समय मतलब वो इम्पोर्टेंट था। तो इसके बाद हुआ, तो ये सब का मेन रीजन क्या था? कि दे वांटेड कि धरती प्योर रहे, नहीं तो धरती में पाप ही पाप बढ़ते जाएंगे, अगर ये इंटरवेंशन नहीं होता तो ये पाप बढ़ता जाएगा। सो दैट वाज द रीजन इन आत्माओं ने इंटरवेन किया। अब लेकिन फिर क्या हुआ, ये सब करने के बाद भी क्या हुआ, फिल्म क्या क्या हो गया फिल्म का? बहुत सब से ट्राई कर रहे थे कि नहीं, आखिर विलियन पूरा किडनैप कर ही लिया, उस बच्चे को किडनैप करके सबने बीच बीच में से उस बच्चे को रोका, वो हीरो के बच्चा था, इधर से रोका उधर से रोका, वो थोड़ा उसने उससे भी फाइटिंग की किया, तो उतना थोड़ा टाइम बच गया, लेकिन फाइनली इन सबको डिफीट करता गया। तो रावण ने इन सबको डिफीट कर दिया, तो अब वो सेंट्स उन लोग भी, अब बहुत सारे केसेस उनके पीछे भी है। तब ये हालत हुई, तो उसके बाद फिर अब क्या करेगा, परमात्मा को स्वयं को आना पड़ेगा, क्योंकि इन सब से ट्राई हुआ तो अब कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए परमात्मा फिर सुप्रीम इंटरवेंशन, ये परमात्मा का कार्य था सुप्रीम इंटरवेंशन। तो अब हम सोचे, अब एक है कि देयरफॉर इन सब की जरूरत एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन, धरती पर इनकी बहुत जरूरत रही। बाबा हमेशा कहते हैं कि इन महात्माओं, साधु संतों ने धरती को थमाया, तो एटलीस्ट परमात्मा इतने समय तक ऊपर रहे कि भाई ये काम कर रहे हैं, मेरा काम कर रहे हैं। अब क्योंकि वो डायरेक्ट ऊपर से आए, अब जैसे सपोज गौरांग महाप्रभु है, ऐसे जो जो सेंट्स थे वो आत्माएं ऊपर से आई थी, तो दे आर अ स्पेशल अट्रैक्शन, लोगों ने उनको फॉलो कर लिया क्योंकि वो आत्मा प्योर थी।
और क्योंकि वो आत्मा फर्स्ट टाइम ऊपर से आई, तो क्या था कि उनमें जो अट्रैक्शन था वो इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए ये जब ये आत्माएं जब ऊपर से आई भी ना, तो उन आत्माओं ने यही कहा कि भगवान को याद करो। सभी ने, जो भी ऊपर से आए थे, परमात्मा को याद। शंकराचार्य ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो आत्मा इतनी पावरफुल थी, लोगों ने सोचा यही सब कुछ है। उस समय के लिए वो बहुत प्योर थी। एटलीस्ट उनको फॉलो करने का, उनकी प्योरिटी का हेल्प क्या था कि वो उन्होंने जो जो इंट्रोड्यूस किया, स्नेह इंट्रोड्यूस किया, तो उससे लोग बहुत फॉलो करने लगे। तो इतना सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में श्रेष्ठ भावनाएं थोड़े समय के लिए रही। सो दैट वाज द नीड ऑफ द आर। अब जैसे वो मेन हीरो नहीं पहुंचता है, तो बाकी जिन्होंने भी उसको स्टॉप किया, बच्चे को, उनका कंट्रीब्यूशन तो है ना। कि ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब तक वो नहीं आया, बड़ा डॉक्टर नहीं आया, तो वो बाकी जो थे उन्होंने उसके पैरामीटर्स को, खराब जो हो रहे थे पैरामीटर्स को हैंडल तो किया। सो दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सोसाइटी, बट वो उस समय के लिए था। उसके बाद वो ही आत्मा क्या हो जाएगी, एक बार उस आत्मा ने जन्म लिया, एक बार सृष्टि पर कोई भी आत्मा आ जाए, ही हैज टू बी अंटिल द एंड। मतलब उसकी चारों फेज से उसको गुजरना है। ये इटर्नल लॉ है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो आत्माएं क्या करेगी बाद में, शंकराचार्य अभी क्या है, शंकराचार्य साई बाबा, तो अभी सब कहाँ है। अभी सारी आत्माएं इस सृष्टि पर है, क्योंकि एक बार नीचे आ गई, ऊपर बीच में ऐसे नहीं कि अभी आए फिर ऊपर गए फिर आए ऊपर गए, नो। वो पावर केवल एक परमात्मा के पास है, इसलिए उसको अवतार कहा जाता है। कल हमने देखा था अवतार की क्या स्पेशलिटीज है। आए गए ये हर कोई के पास नहीं है। इसलिए जितने भी देवी देवताओं का है, उसमें इन देवी देवताओं का तो वैसे अवतार है ही नहीं, जो हमने कल देखा। एक्चुअली वो सब उसके सिंबॉलिक है। बाकी सेंट्स आदि का बहुत बड़ा रोल जरूर था, लेकिन देवर नॉट अवतार। वो आए और 100 100 साल रहे, जितने भी साल जो भी उनके लिए बताते हैं। अवतार का मतलब है 1 घंटा आया चला गया, फिर 1 घंटा आया चला गया, इतनी फ्रीडम है उसके पास। तो कोई भी धर्म पिता अवतार हो सकता है, कोई भी सेंट अवतार हो सकता है, बट क्योंकि वो एकदम ऊपर से आए थे, तो अवतार के लिए ये सारे जो हमने कल भी देखा था कि उनको ये दे हैव टू क्वालिफाई, सब सब सारे जो हमने क्वालिफिकेशन बताया अवतार का मतलब, तो वो सारी क्वालिफिकेशन उनको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। 5 क्वालिफिकेशन की थी ना, तो उनको ये सब क्वालिफिकेशन करना ही पड़ेगा, उसको कहेंगे अवतार। तो ऐसा कोई अवतार हुआ नहीं, मतलब परमात्मा की तरह। तो खाली एक क्वालिफिकेशन अगर कोई किसी ने कर लिया, उसको हम अवतार नहीं कह सकते। ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वालिफिकेशन आप लोगों ने नोट भी की होगी, ये वाली क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले वो ऊपर से आएगा और वो गर्भ जेल में नहीं लेगा, काम किया चला गया, शरीर का बंधन नहीं, और जिनके एवरी संकल्प शब्द कर्म वेरी वेरी पावरफुल है, तो वो जन्म लेगा ही नहीं जो मृत्यु की बात हो। तो ये सिर्फ परमात्मा, एक ही आत्मा कर सकती है। इसलिए परमात्मा एक ही बार आते हैं, इन अदर वर्ड्स एक ही बार अवतार होता है। अब क्योंकि सब ऊपर से आए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो हो गया कि एकदम ऊपर से आए, क्योंकि वो आत्मा ऑब्वियसली उनको फैन फॉलोइंग चाहिए, मतलब उनके कारण धरती टिकनी चाहिए, ऊपर से उनको आना ही पड़ेगा। उनका अगर ऑलरेडी जन्म हो चुका होगा, दे वुड नॉट, उनका दे वुड वोंट हैव दैट अट्रैक्शन जो आत्माएं उनको फॉलो करने लगे।
तो इसलिए उन आत्माओं को ऊपर से आना ही पड़ा उस समय। तो लोगों ने क्या सोचा, ऊपर से आ रही है ना, मतलब इतनी डिवाइन है ना, भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है, हर चीज को भगवान साईं बाबा, भगवान शंकराचार्य ये कहती है। भगवान के लिए ये पांचों बातें चाहिए। तो अब एक ये सब, ये पूरी वर्ल्ड ड्रामा है। तो अब हम देखो कौन सा वर्ल्ड ड्रामा एक्यूरेट लगता है, कि एक है कि फर्स्ट सत्युग ऐसा और त्रेता युग ऐसा, सत्युग अर्थात शिव बाबा बाबा जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग सत्युग, तो फर्स्ट है बहुत अच्छा वर्ल्ड, और उसके बाद उससे कम 16 कला संपूर्ण, ये शिव बाबा के अकॉर्डिंग सत्युग, और ये दुनिया के अकॉर्डिंग सत्युग। अब ये पूरा जो अभी हमने लेफ्ट साइड में जो है वो एक वर्ल्ड ड्रामा है। द्वापर में ये सब हुआ, कलयुग में ये सब हुआ। अब एक ये वर्ल्ड ड्रामा है, एक ये स्टोरी लगती है, और दूसरा स्टोरी राइट साइड वाली है, जिसमें हिरण्यकश्यप अवतार, त्रेता, राम, रावण, वहां भी लड़ाई, फिर द्वापर में श्री कृष्ण, कंस, जरासंध, वो भी लड़ाई, कलयुग की तो चलो दोनों एग्री करते हैं। कौन सा लगता है आइडियल वर्ल्ड ड्रामा, कौन सा लगता है आपको उन दोनों में से? पहले अच्छा, फिर कम, फिर बुरा, फिर अति बुरा, या हमेशा ही अति बुरा, आइडियल वर्ल्ड ड्रामा कौन सा होगा दोनों में से, कौन सा होगा बोलो, चूज करो। आइडियल मतलब एक फिल्म की स्टोरी, क्योंकि कहते भगवान क्रिएटर है संसार का, तो उसकी क्रिएशन, एक अगर अच्छा फिल्म प्रोड्यूसर भी है तो उसका बेस्ट फिल्म किसको माना जाएगा? भाई इसने, ये कौन है, सूरज भड़जातिया ने, उसका फिल्म है ना, मतलब बहुत आइडियल है, जो हम रिलेट कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, कुछ फिल्म प्रोड्यूसर के नाम से भी हम सोचते हैं कि इसका फिल्म ऐसा होगा। तो परमात्मा बेस्ट रचयिता, बेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर। अब एक परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया वो लेफ्ट वाला था, और जो मुझे एग्जिस्टिंग बिलीफ से वो राइट वाला है। लेफ्ट राइट, कौन सा आइडियल ड्रामा लगता है हमको? चॉइस आपके पास है, हमको नहीं, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, हम नहीं कहते कि ये है राइट। लेफ्ट वाले कितने? लेफ्ट वाले मेजॉरिटी, लेफ्ट वाले और राइट वाले। फिर एक ये नहीं हम चूज कर सकते, इधर का सत्युग होगा, इधर का त्रेता युग होगा, फिर इधर का द्वापर युग होगा, इधर का कलयुग होगा, ये नहीं। एक वर्ल्ड, एक फिल्म चूज करो, मतलब ये इस इधर का क्या बोलते, स्टार्टिंग इधर की फिर एंडिंग उधर का, ये नहीं चलेगा। एक ही वर्ल्ड ड्रामा चूज कर लिया मेजॉरिटी ने, लेफ्ट 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 लेफ्ट, सबका लेफ्ट है ना। दिस इज हाउ ये हुआ। तो इसलिए इनका रोल था, तो पहले तो ये अवतार आदि जो है, जैसे हमने कल भी देखा, दे ऑल सिंबॉलिक है। अवतार ऐसे होते ही नहीं जो हमने देखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो अगर जैसे ये श्री कृष्ण के लिए, अब हम आत्माएं जब, जैसे श्री कृष्ण की बात है या जितने भी हमने समझा हुआ है, तो क्या बताया उसके लिए, यहां देख लो, अब चूज करो। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है
तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और अच्छा, अब उसके बाद ये शुरू हुआ, महाभारत शुरू हुई। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। कोई धातु नहीं जो अग्नि में तब तक पिघल ना जाए, और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर सकूं। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। तो अभी श्री कृष्ण ने कहा क्रोध, ये सब पूरा ज्ञान सुनाया, उसके बाद लड़ाई हुई, अब श्री कृष्ण को आया क्रोध, फिर हमको पता है उसके बाद की स्टोरी। तो मैं अभी आपको ज्ञान सुना रही हूँ, बस अभी ये सेशन बंद हुआ, मैं इसको बहुत डांटा मैंने। अब वो कहेगी कि क्या है, बोला वो सब चौके के बाद चौकी में, चौकी के बाद चौकी में। क्या लगता है आपको, ऐसे अवतार तो ऐसे होंगे ही नहीं, मीनिंग कुछ और था। तो ये जो पूरी स्टोरीज है वो एक डिफरेंट है, वो तो सिंबॉलिक है, बाकी जो सेंट्स आदि है उनका ये रोल है। तो सभी ने जैसे बताया, ये है लेफ्ट, मतलब ये एक आइडियल वर्ल्ड है। तो परमात्मा, ये जो वर्ल्ड का स्टाइल है, ये ज्ञान भगवान देकर अब हमको वापस वैसे सतयुगी दुनिया बनाते। तो हुआ, तो हमें कौन सा चाहिए, कौन सी पिक्चर अच्छी लगी कौन सी पिक्चर अच्छी लगी? वैसे भी फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, शुरू शुरू से ही फाइटिंग। वो फिल्म उसमें क्या लिखते हैं, ओनली फॉर एडल्ट्स, कुछ भी नेगेटिव ज्यादा होता है ना, ओनली फॉर एडल्ट्स, मतलब समझ सकते हो बहुत खराब फिल्म है। ये एक आइडियल वर्ल्ड ड्रामा है, परमात्मा ये ज्ञान देता है। तो क्लियर, हमें कौन सी चाहिए, तो उस फिल्म के अकॉर्डिंग फिर सारा सोचेंगे ना। अगर वो चाहिए तो वैसे वाली फिल्म कर लो। एग्रीड, ठीक है सब। तो ये है आइडियल वर्ल्ड ड्रामा। तो बाबा ने ये मुरली में जैसे बताया कि बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य, अब ये पूरे वर्ल्ड ड्रामा एक आदि मध्य अंत, ये लगता है स्पेशल है, आदि मध्य अंत, क्योंकि ऐसा आदि होगा, ऐसा मध्य होगा, और ये ऐसा अंत होगा, और इसका राज समझाया है हमको। जब ये बोला नरसिंह अवतार है, हमको इसके पीछे का राज नहीं पता, भाई उसने गलती की, उसने ऐसा किया, उसका वरदान था, आके मार दिया। अब उसके पीछे उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको तो मार दिया सतयुग में, फिर बाद में क्या हुआ, फिर रावण कहां से आ गया, एक बार आ गया तो काम खत्म हो जाना चाहिए। सो वो थोड़ा, एक तो फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, और वो एक, अब जैसे सपोज कोई कहे कि दुनिया में कोरोना बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत खराब वेव चला, मेजोरिटी हुई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और दुख भी तो है, एक कोरोना ही दुख थोड़ी है। उस दिन देखा ना हमने, खिचड़ी फेंक दी उठा के उसने, ये दुख नहीं हुआ, कितने सारे दुख है, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, दुख है। तो एक खाली एक ये जो जो अवतार हमने कहा रावण या एक कंस और एक जरासंध थोड़ी, बहुत सारे हैं। तो ये है परमात्मा का वर्ल्ड ड्रामा। उन लोग ने तो एक पर हाईलाइट कर दिया और सोचा हाँ हाँ बहुत अच्छा, आप फिर गीत गाने लगे, ये अवतार ये अवतार ये अवतार, दशम अवतार ये बोल दिया। एक्चुअली वो सब सिंबॉलिक था, सेंट्स का इंटरवेंशन, यस इट इज वर्थ, वो जरूरी था। तो अब परमात्मा का, तो सभी ने मोस्टली सबने कहा ये है। तो अब वो कैसे वो आत्माएं चूज होती है, या वही धर्म स्थापक कैसे बनती है,
क्या उसका रीजन है, क्यों वो आत्माएं महात्मा बनती है, वो हम कल का ड्रामा में क्लियर करेंगे। तो ये एक आइडियल ड्रामा हुआ, क्लियर। तो अब हम अपने आप को देखें, ये अब चक्र सुदर्शन चक्र चलाए, स्वदर्शन, ये सुदर्शन नाम का कोई चक्र नहीं था, स्व का दर्शन करो। अब इस चक्र में देखो, अब ये चक्र में मुझे कब आना है, तो पहला ये चक्र जो था उसमें था कि फर्स्ट सत्युगी, मैं आत्मा सत्युग में एकदम प्योर पावरफुल शक्तिशाली सत्युग, जिसमें केवल सुखी सुख। अपने आप को देखो पूरे वर्ल्ड ड्रामा में कि केवल सुखी सुख है। हमने सृष्टि चक्र का पिक्चर बहुत बार देखा है, चक्र चलाओ, मैं आत्मा सत्युग में। अच्छा, उसके बाद त्रेता युग, उसमें राम सीता का राज्य, पर फिर उसमें भी कोई दुख नहीं, थोड़ी सी कला कम हो गई प्योरिटी की, मैं आत्मा थोड़ी सेकंड स्टेज में आ गई। थर्ड स्टेज, अब मेरी चिप बहुत अच्छी है क्योंकि मैं सत्युग से स्टार्ट किया, मैंने शुरुआत से, ये मेरी मेमोरी चिप बहुत अच्छी है। अब द्वापर युग आया, मुझ आत्माएं, मैं जो देव आत्मा थी उसके मंदिर बनाने लगे और भक्ति मैंने शुरू की। देखे अपने आप को, पूजा की शुरुआत, शिवलिंग की स्थापना, मंदिरों की स्थापना, शास्त्रों की पूजा, काम चल रहा था, भक्ति शुरुआत हो चुकी है, मैं आत्मा, मंदिरों में आरती गाने लगे सभी, मैं खुद ही भूल गई मैं ये श्रेष्ठ प्योर सोल थी, पूज्य अब पुजारी बन गई। और लास्ट था कलयुग, कलयुग का एंड होते ही भगवान आ गया, मुझे वापस विलियन के हाथों से निकाल लिया, रावण विलियन के हाथों से अपना बच्चा बना दिया, और अब रोज श्रृंगार कर रहा है सत्युगी देवता बनने के लिए। मैं ब्राह्मण आत्मा और मैं देवात्मा, रोज रोज एक एक गुण की इंट्रोडक्शन मेरे श्रृंगार में हो रहे हैं, और मैं ब्यूटीफुल, मैं आत्मा ब्यूटीफुल बनती जा रही। ओम शांति।